जंगलों में लगातार बढ़ती आग के मद्देनजर हल्द्वानी वन डिवीजन ने अब कमर कस ली है। फायर वॉचरों की नियुक्ति, मास्टर कंट्रोल रूम शिफ्टिंग और जंगलों में तैनात कर्मचारियों को राशन वगैरह मुहैया करा दिया गया है। वन अधिकारियों के अनुसार हल्द्वानी वन डिवीजन में दावानल को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। तकरीबन 63,000 वर्ग किलोमीटर जंगलों में फैली वन डिवीजन नंधौर वन्य जीव अभ्यारण को लेकर संवेदनशील है। इसी के मद्देनजर आग बुझाने के लिए 106 फायर वॉचर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। वन डिवीजन का फायर मास्टर कंट्रोल रूम भी छकाता रेंज से शिफ्ट कर अब डिवीजन कार्यालय में बना दिया गया है। यहां वनाग्नि की सूचनाएं लेने के लिए 24 घंटे कर्मचारियों की शिफ्ट वार तैनाती की गई है। जंगलों में तैनात वन कर्मचारियों के लिए राशन, जूते, हेलमेट व अन्य उपकरण मुहैया करा दिए गए हैं। इसी के साथ ही DFO व SDO भी दावानल की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। ये हल्द्वानी वन प्रभाग में जो फायर सीज़न हमारा 15 फरवरी से जैसा स्टार्ट हो जाता है, तो इसके हमने जो है तैयारी के लिए हमारी जितनी भी फायर लाइंस थी वहाँ पे हमने झाड़ी कटान वगैरह कर लिया है और जो हमारी कंट्रोल बर्निंग होती है वो सब भी पूरी हो गई है। इसके अतिरिक्त हमने टोटल 106 फायर वॉचर अभी रखे हैं जो कि हमारे लगभग 30 क्रू स्टेशंस हैं पूरे प्रभाग में, तो वहाँ पे ये लोग तैनात हैं और हर बीटों में तैनात हैं जो लगातार जहाँ भी आग लगने की घटनाएं आ रही हैं तो वहाँ पे ये बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर भविष्य में अगर और हमें फायर वॉचर्स रखने होंगे आवश्यकता के अनुसार तो उसको रखा जाएगा।